आप जो भी बोलेंगे ना मैं वही बनाऊंगी। आज आपको बम्पर लॉटरी लगी है ना? अच्छा तो सुन, देख एक तो सेव टमाटर नो साग कढ़ी, बाजरा नो रोटलो, रिंगड़ा नो ओळो और फरसाण में मेथी की भजी और खांडवी और मिष्टान, तुझे जो पसंद हो। गुलाब जामुन बनाओ। ओ हो हो, गुलाब जामुन बना बना मेरे गुलाब। मेरी बात मानिए दया भाभी, आप भी जेठा भाई को थोड़ा थोड़ा उबला हुआ खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। उबला हुआ खाना ना बाबा ना, टप्पू के पापा उबला हुआ खाना छूते भी नहीं है, अरे देखते भी नहीं है। तुम्हारा मेथी का सूप मैं कल जरूर पी लूंगा, खिचड़ी भी खा लूंगा, लेकिन अभी तो मेरे पसंद का कुछ बना दो ना मसालेदार प्लीज। I'm sorry तारक, आपको वही खाना पड़ेगा जो मैंने बनाया है बस। अच्छा अंजलि, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? अंजलि मुझे बहुत जरूरी आर्टिकल लिखना है, तो मैं पेन में रिफिल नहीं है, रिफिल डलवा के आता हूँ। पेन कहाँ है? पेन की क्या जरूरत है, पेन में रिफिल ही तो डलवानी है, ला के डाल दूंगा। बहाने मत बनाइए तारक, खूब पता है मुझे कि बाहर जाके कुछ खाना खाएंगे आप। शक शक और शक। एक मिनट, ये लो मेरा वॉलेट, रखो अपने पास, मुफ्त में मुझे कोई खाना नहीं खिलाएगा। ओके दया। ए दया, आई आई। ला भाई ला, जल्दी खाना ला, जबरदस्त भूख लगी है। आज शाम को मैंने दुकान में नाश्ता भी नहीं किया। हाँ तो अच्छा किया, बापूजी ने आज सबको घर में एक टाना करने को कहा है। क्या? अरे एक टाना, एक टाना। दिन में सिर्फ एक ही बार खा सकते हैं ना, वो वाला एक टाना। अरे वो मुझे पता है दया, लेकिन आपने तो दोपहर को एक टाइम का खाना खा भी लिया होगा। नहीं हाँ। तो अभी वही, अभी अभी पानी पीकर सो जाइए। ये क्या बोल रही है दया, तो यहाँ जोरदार भूख लगी और तू तो उपवास करने का कह रही है, तो फिर तू ना मुझे दुकान में फोन करके अच्छे अच्छे आइटम सुनाकर ललचाया क्यों? ये तो चीटिंग है ना, पतंग को पहले आकाश में उड़ाया और फिर ऐसे मंजा काट दिया। अरे पहले बताया होता तो मैं दोपहर को उपवास कर लेता ना। अभी दया मैं रात को भूखा नहीं सो सकता, तुझे तो पता है। हाँ बाबा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ। आप बैठिए बैठिए बाबा, सब कुछ तैयार है, मैं आधे घंटे में परोसती हूँ, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट, क्या तू मजाक पे मजाक किया जा रही है दया? सब कुछ तैयार है तो फिर आधे घंटे में क्यों परोसती है? अरे बाबा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। दा जल्दी है, प्लीज बहुत भूख लगी है। हाँ, अभी ले। अच्छा सुन, ये बापूजी और टप्पू कहाँ हैं? वो क्या है, आज टप्पू के दोस्त का वीसी हैप्पी बर्थडे है, तो बापूजी भी साथ में गए हैं, दोनों खाना खा कर आएंगे। अच्छा 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 सुन। हाँ? वो बोलिए, वो दुकान में फोन करके कुछ तो कह रही थी ना, पिपरमेंट चाहिए, पिपरमेंट चाहिए। चल दे देता हूँ पिपरमेंट। अभी नहीं, बाद में। सब्र रखो बाबा, सब्र का फल मीठा होता है। अरे ये सब्र सब्र करके मुझे कब्र में पहुंचा देती, एक नंबर की जड़ भरत है मेरी दया। फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड। तो फायर ब्रिगेड तो आपको बी विंग के ग्राउंड फ्लोर पे मिलेंगे भाई साहब। अरे भाई वहां पे तुम्हारे फायर ब्रिगेड रहते हैं, मुझे अपने फायर ब्रिगेड की तलाश है। आपका कौन है फायर ब्रिगेड? तुम और कौन, जेठालाल चंपकलाल गड़ा? अरे ये क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, मैंने इतने मान सम्मान से आपको ये पदवी दी, अब मुझे कहाँ अपना फायर ब्रिगेड बना रहे? जेठालाल आज के दिन मेरे फायर ब्रिगेड तुम हो, और आज तुम्हारे दोस्ती निभाने का वक्त आ गया है। अरे तो आवाज करो मेहता साहब, मैं पीछे नहीं हटूंगा, हाँ कच्ची मड़ू आए। बोलो बोलो, अगर आप मोबाइल मांगोगे मैं LCD ला कर दूंगा,
अगर आप स्कूटर मांगोगे मैं गाड़ी ला कर दूंगा, अगर आप रोटी मांगोगे मैं पकवान खिलाऊंगा। यही 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 चाहिए, यही चाहिए जेठालाल, यही चाहिए जेठालाल। यही चाहिए मतलब मैंने तीन चीज बोली, उसमें से आपका यही कौन सी चीज है? तीनों नहीं, सिर्फ पकवान चाहिए। आज मैं खाना तुम्हारे यहाँ खाऊंगा। अरे क्या बात है, धन घड़ी धन भाग थी, भले पतेरे भाई भले पतेरे, वाह 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 वाह, दया खाना ही बना रही है। क्या बात है, लेकिन अब अकेले अंजलि भाभी कहाँ हैं? जेठालाल तुम तो जानते हो ना कि अंजलि कितनी डाइट कॉन्शियस है, अगर वो साथ आती तो मुझे खाने देती यहाँ खाना। मुझे खाना खाना है इसीलिए साथ नहीं लाया। नहीं नहीं बराबर है, बराबर आपकी बात है। तो आपका काम करना पड़ेगा मेहता साहब। क्या? अंजलि भाभी के हिस्से का खाना भी आपको ही खाना पड़ेगा। हाँ हाँ प्रॉमिस। अरे दया। हाँ हाँ अच्छा बाबा दे दो पेपरमेंट। ये मेहता साहब है। नमस्ते साहब। मेहता साहब। हाँ जय जिनेंद्र दया भाभी। जय जिनेंद्र। मेहता साहब आज यही खाना खाने वाले। अरे वाह। माफ कीजिएगा दया भाभी, बिना बताए ऐसे ही चला आया, आपको खामखा तकलीफ होगी। अरे उसमें तकलीफ कैसी? पता है मेरी माँ कहती है कि घर में हमेशा इतना खाना बनना चाहिए कि दो तीन मेहमान अचानक से आ जाए ना तो भी कम ना पड़े। अच्छा मैं तो अकेला ही आया हूँ। अरे मेहता साहब हमारे घर पर दो तीन मेहमान का खाना रहता ही है एक्स्ट्रा। अरे दया तो बता तो सही मेहता साहब का आज क्या क्या बनाया तूने? बताइए। हाँ, देखिए सेव टमाटर नु साग, ओलो रोटलो, खांडवी मेथी ला भजिया और मिष्टान में गुलाब जामुन। वाह। और रायता और मसाला पापड़ नहीं बोली तू? वो तो नहीं बनाया। अरे तो बनाओ। हाँ ठीक है, और कुछ सब? कितनी देर लगा दी, रिफिल लेने में इतना समय तो लगेगा नहीं, और तारक होटल में अकेले खाना खाने जाएंगे नहीं। अच्छा आइसक्रीम में क्या क्या है? आइसक्रीम में आइसक्रीम। ठीक है चलेगा। तो ठीक है मैं अभी खाना लगाती हूँ। मेहता साहब अंजलि भाभी नहीं आए? उसका सर घूम गया है। नहीं नहीं कहने का मतलब सर घूम रहा है, दर्द के मारे सर घूम रहा है। और हाँ दया भाभी आप भी अंजलि को बताना मत कि मैं यहाँ आया हूँ। हेलो। हेलो दया भाभी, अंजलि बोल रही हूँ, तारक आए हैं वहाँ? हाँ। ना, ना। अच्छा समझी, तारक ने आपको मुझे बताने के लिए मना किया है। हाँ, ना, नहीं नहीं ना, ना। अच्छा तो दया भाभी आप भी उन्हें मत बताइए कि मेरा फोन है। हाँ, हाँ। अरे दया क्या या तू? हाँ ना कर रही है, किसका फोन है? माँ का फोन है। अरे बाप रे, फिर तो तुम दोनों की लंबी बात चलेगी। भाई इधर बहुत जोर की भूख लगी, माँ को बोलना बाद में फोन करती हूँ प्लीज। हाँ भाभी एक काम कीजिए, आप ना किचन में जाके बात कीजिए मुझसे। मैं बाद में फोन करती हूँ, फोन चालू रखो। चालू रखो मतलब फोन चालू मत रखो, मत बोलना भूल गई थी। ये भी बाहुरी हो गई है। हाँ हाँ जी भाभी बोलिए। दया भाभी मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, तारक वहाँ खाना खाने आए हैं तो आप उन्हें खाना नहीं देंगी। क्या कैसे हो सकता है ये? दया भाभी आपको कुछ नहीं पता, तारक चोरी चुपके मुझसे झूठ बोलकर वहाँ खाना खाने आए हैं और ये नहीं जानते हैं कि उनकी सेहत के लिए ज्यादा मसालेदार खाना अच्छा नहीं है। अंजलि भाभी प्लीज आप जरा समझने की कोशिश कीजिए,
दया भाभी देखिए मेहता साहब हमारे मेहमान हैं, मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ? दया भाभी आप उन्हें ना नहीं कह के मुझे ना कहेंगे क्यों? मतलब आप मेरी बात नहीं मानेंगे? नहीं नहीं देखिए दूसरी बात ये है कि मेहता साहब टप्पू के पापा के खासम खास दोस्त भी है। दया भाभी ये क्या बात हुई, उनकी दोस्ती दोस्ती और हमारी दोस्ती का कोई मतलब नहीं? नहीं 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 मतलब है, क्या है कि हमारी दोस्ती अलग है और उनकी दोस्ती अलग है। मतलब हमारी दोस्ती सेव टमाटर की सब्जी है और उनकी दोस्ती ओड़नू साग है, तो दोनों को साथ में नहीं खा सकते। मतलब मूल बात यह है कि आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं। देखिए दया भाभी मैं आपसे कह देती हूँ, अगर आज आपने तारक को घर पे खाना खिलाया या जेठा भाई तारक को होटल में खाना खिलाने ले गए ना, तो आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म 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 खत्म। अब क्या करूं? अंजलि भाभी ने यहाँ मेहता साहब को खाना देने से मना किया है और बाहर वो लोग खाने की राह देख रहे हैं। क्या करूँ? करूँ क्या? आपने ऐसा क्यों बोला दया को कि अंजलि को मत बताना मैं यहाँ आया हूँ? कुछ घर पे लफड़ा करके आए हो क्या? अरे नहीं जेठालाल मैं क्या लफड़ा करूँगा, असल में मैं नहीं चाहता कि अंजलि को पता चले मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। यार तुम तो जानते हो ना मेरे डाइट के पीछे वो कैसी पड़ी रहती है। आज सुबह तुम आए उसके पहले वेइंग मशीन पे मेरा वजन 2 किलो क्या ज्यादा निकला, वो तो कहने लगे कि अब से डबल स्टिक कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ उबला हुआ मिलेगा। भाई हद होती है यार, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो अभी आप क्या लड़ाई करके आ रहे हो? अरे नहीं भाई काहे की लड़ाई, बहाना बना के निकला हूं। मैंने बोला कि मैं पेन में रिफिल डलवा के आ रहा हूं, जब तक वो मुझे फोन करेंगे मैं पेट रिफिल कर लूंगा। भूखे पेट अच्छा सोचता है आपको, रिफिल रिफिल आज खूब जमक गया मैं फिल। लगता तुम भी भूखे हो। जेठालाल दया भाभी जो मेन्यू बता के गई है भाई इंतजार नहीं हो रहा आप तो। एक एक आइटम क्या शानदार है, मजा आ जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा? नहीं नहीं अरे दया तो एकदम फास्ट फास्ट है, अभी तैयार हो जाएगा खाना। टप्पू के पापा आ रहे हैं यहाँ, ये तो लीजिए हो गया खाना तैयार। बोल बोल मेरी पवन पावड़ी, क्या मदद करूं मैं तेरी? क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना है? खाना तैयार है ना? हाँ देखिए कढ़ी तैयार है लेकिन सिर्फ तड़का देना बाकी है, बाजरे का आटा तैयार है सिर्फ रोटियां बनाना बाकी है, और पापड़ तैयार है सिर्फ सेकना बाकी है। और अरे 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 क्या हुआ मेरी झपाटा क्वीन, रोज तो तू फटाफट खाना बना देती, आज क्यों इतना टाइम लग रहा है? बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी फटाफट कर भाई ये सब। देखिए मैं खाना नहीं दे सकती। नटखट लुच्ची, अभी भी मजाक चालू है तेरा हा? बस दे अभी अभी मजाक नहीं अभी खाना, मैं तो सब भी राह देख रहे कब से, चल चल चल। देखिए मैं तो सबको बोलो राह ना देखे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं खाना नहीं दे सकती। क्या ये क्या बोल रही है तू, तेरा दिमाग ठिकाने है? मैं क्या कर सकती हूँ, अंजलि भाभी ने अभी बताया मेहता साहब को खाना मत देना। अच्छा मतलब अभी जो फोन आया था वो अंजलि भाभी का था? मेरी माँ का नहीं। देख अंजलि भाभी ने तुझे जो भी बोला हो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा दोस्त आज मेरे घर पर खाना खाने के लिए आया है तो वो मेरे घर से खाना खा के जाएगा। देखिए मेहता साहब आपके दोस्त है ना, वैसे अंजलि भाभी भी मेरी दोस्त है।
ये क्या फालतू की दलील कर रही है दया तू मेरे साथ? कहाँ गए तेरी माँ के संस्कार? अतिथि देवो भव, अगर घर पे कोई मेहमान आए तो घर से भूखा नहीं जाना चाहिए, वो सब सिखाया नहीं तेरी माँ ने? हाँ सिखाया है। तो फिर भी सॉरी, मैं आज मेहता साहब को खाना नहीं दे सकती। ए, मेरा नाम जोकर, तेरा नाम दया है, काउंस में अन्नपूर्णा देवी, तू लोगों को खाना खिलाने के लिए फेमस है और तू आज खाना खिलाने के लिए ना बोल रही है। मेरी बात सुन, देख दया, मेहता साहब हमारे पर्सनल फायर ब्रिगेड है, हमारे हितेच्छु है, हमारी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में हमेशा हमारा साथ देते हैं। और हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तो फिर मेहता साहब यहाँ झूठ बोलकर आए हैं। पता है मतलब अभी तुझसे ही पता चला? हाँ दया, वो सब छोड़, मेरी बात सुन, देख इंसान झूठ कब बोलता है, जब बेचारा मजबूर होता है। हाँ तो मैं भी बेचारी मजबूरी हूँ। आप बाहर जाके झूठ बोल लीजिए प्लीज। दया चल, तू ही अपने मुंह से मेहता साहब को ना बोल दे, चल। मैं क्यों बोलूं? दोस्त आपके है, आप ना बोलो। अरे मैं क्यों ना बोलूं? मैं तो उनको खाना खिलाना चाहता हूँ, तू उनको खाना खिलाना नहीं चाहती है। दया तू सीधे सीधे खाना परोसती है कि मैं अपने हाथों से खाना ले लूं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो अगर आपने आज मेहता साहब को खाना दिया ना तो आपका और मेरा रिश्ता खत्म। Nonsense, तू बात को कहां से कहां ले जा रही है, क्या बोल रही है तू? मेरी माँ कहती है कि अगर दोस्ती निभाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देना पड़े तो लगा देने का। मेरी माँ कहती है कि अगर दोस्ती निभाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देना पड़े तो लगा देने का। अच्छा ठीक है, तो मैं भी अपनी दोस्ती के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूँ। मैं कौन हूँ? तेरा पति, पति परमेश्वर। तो ये परमेश्वर तुझे हुक्म देता है कि तुझे मेरे दोस्त को आज खाना खिलाना पड़ेगा। ठीक है, पति की बात रखने के लिए मैं अपनी सहेली से रिश्ता तोड़ दूंगी। शाबाश, चलो खाना परोसो जल्दी। लेकिन अगर मैं अपनी सहेली को दुख पहुंचाती हूँ, उसकी बात नहीं मानती हूँ, तो उसके लिए मैं अपने आप को सजा दूंगी। सजा? अगर मेहता साहब ने आज यहाँ खाना खाया तो मैं 30 दिन तक निर्जला उपवास करूंगी। जीजा जी, क्या कर रहे हो आप? एक दोस्त के लिए आप माय डियर बहना के पास 30 दिन का निर्जला उपवास करवाओगे? अरे चालू ट्रेन की खिड़की में से जैसे पेड़ आकर चले जाते हैं, उसी तरह जिंदगी में से हजारों दोस्त आकर चले जाते हैं। लेकिन पत्नी तो ट्रेन की सीट जैसी होती है, आखिरी मंजिल तक साथ निभाती है। अगर मेरी बहना को कुछ हुआ तो मैं हाथ लारी में आपको बिठा कर पूरे अहमदाबाद में आपका जुलूस निकलवाऊंगा। जेठिया, तूने बहू को 30 दिन का निर्जला उपवास करवाया, अब तू 60 दिन का निर्जला उपवास करेगा। नहीं। सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मास्त्र, उपवास। इस उपवास से अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं।
अरे सत्ता हिल जाती है उपवास से। इसी उपवास का सहारा लेके महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की सल्तनत को हिला दिया था और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दया भाभी ने उपवास नाम का हथियार उठा लिया है और धर्म संकट में आ गए हैं मेरे परम मित्र जेठालाल भाई। धर्म संकट में हो गई जब उनके परम मित्र यानी कि मैं भूख के मारे संकट में हूं और दूसरी ओर पत्नी ने उपवास नाम का शस्त्र उठा लिया और हथकड़ी पहना दी हाथ में भाई उपवास करने की धमकी की। अब देखना यह है कि क्या करते हैं मेरे मित्र, क्योंकि संबंधों का तराजू किस और डोलता है यह देखने वाली बात होगी। क्या अपने मित्र यानी कि मुझे कह पाएंगे कि खाना नहीं मिलेगा या अपनी पत्नी को मनाएंगे? उनकी स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे खड़े होकर घुड़सवारी करना, भाई इस वक्त मुझे खाना मिलेगा या नहीं यह तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की क्या जरूरत है, आपने तो उपवास नहीं किया ना, आप तो खाते पीते हुए देख रहे होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाई मेरे पेट की आग बुझे ना बुझे लेकिन आपके पेट में बल पड़ जाएंगे हंसते हंसते। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।